अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आज मैं ट्राई करने आया हूं इंडियन फेमस डिश वड़ा पाव, जो कि खारादर में मिल रही है मुंबई पाव भाजी पर। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बन रही है और कैसी है टेस्ट में। आइए चलते हैं। कराची में शायद एक या दो है वड़ा पाव वाले। ये वड़ा पाव जो होता है ये भी सब्जी का एक बेटर का कबाब बनाई जाती है। सब्जी आलू होता है और मिक्स किस्म की सब्जी होती है, उस सब का एक बेटर बना के उसकी कबाब बनाई जाती है। वो इसी पाव के अंदर हम बना के और देते हैं, जिसमें कुछ करारी चीज़ें डालते हैं जिससे उसका जायका बढ़ जाता है। चटनी इसकी अलग मुख्तलिफ होती है, इसके साथ एक मिर्ची होती है बहुत चटपटी होती है, जो अभी आपको हम खिलाएँगे। आप खा के बोलोगे कि ये मिर्ची हमें दुबई हम लेके जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये नो कोलेस्ट्रॉल है, दूध हजम है। आप खाओ दो घंटे बाद एक घंटे बाद आपको भूख लगने लगेगी। नौजवान तबका आता है बिल्कुल वो खाता है, वो रात को 2 बजे 3 बजे तक भी उनका आना जाना रहता है। पहले बोलते हैं ट्राई कराओ, इसके बाद बोलते हैं आप पार्सल भी दो, पार्सल भी लेके जाते हैं, तो उनको अच्छा लगता होगा तो ही लेके जाते हैं ना वो। ये हमने बिल्कुल पहले 60 का था, हमने 40 का कर दिया कि भाई वड़ा पाव 40 का कर दो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसके लिए मैसेज है कि आओ भाई, हम आपके इंतज़ार में बैठे हैं, वेलकम करेंगे आपको और खाओ, आप खा के कहो कि हाँ भाई मज़ा आया। ये आ गया है इनका वड़ा पाव। अब वड़ा पाव को अगर आप देखें तो ये है वड़ा पाव, ये इनका एक बन जिसको ये पाव भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसके साथ साथ इन्होंने मिर्चें भी दी हुई हैं। अब इन्होंने कहा ये मिर्चें भी आपने लाजमी खानी है। और मेरे साथ ये बच्ची भी बैठी हुई है, मैंने इससे पूछा नहीं आप खाएंगे कुछ, आप खाती हैं? ये बच्ची बोलिए मैं नहीं खाती, अब मैं क्या करूँ। चलें एक बाइट लेते हैं वड़ा पाव का, ये है कैसा। बड़ा मज़े का है एक्चुअली। मैं इसको समझ रहा था हमारा जैसा बन कबाब होता है उस तरीके का होगा, लेकिन उस तरीके का नहीं है। इसके अंदर जो क्या कहते हैं कबाब नुमा जो वड़ा पाव है, जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसका, वो बड़ा अमेजिंग है अंदर से। क्योंकि वो भी पता चल रहा है कोई आप अलग ही चीज़ ट्राई कर रहे हैं जिससे पहले कि आपने नहीं किया। तो ये भी क्या कहते हैं, अगर ये 40 रुपये में दे रहे हैं तो नॉट बैड यार, मतलब कि 40 रुपये में तो बहुत बेहतरीन है, आपको एक दफ़ा तो ट्राई करना चाहिए आके। अच्छा ये मिर्चें बॉस ने बोली है कि खानी है आपने और आपको मज़ा आएगा, तो मुझे तो मज़ा तो खैर, अगर आप सीरियसली मुझसे, मुझे मूड नहीं हो रहा खाने का क्योंकि मिर्चे हैं भाई कौन खाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं, उन पे यकीन कर लेते हैं तालिब साहब पर कि वो कह रहे हैं खाइएगा लाजमी। भैया ये तो बड़े कमाल की चीज़ है कुछ, ये क्या है यार बेहतरीन। भाई तो डर सा लग रहा था लेकिन बड़ी कमाल की है, तो मुझे मतलब कि ये 5-6 और दे दो मैं वो भी खा जाऊँगा, बड़ी मज़े की है। अगर आप टेस्ट पूछें तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, मतलब के अंदर थोड़ी सी खट्टी सी इमली टाइप की चीज़ें इसके अंदर मुझे लग रही हैं। और अगर आप देखें तो इनकी मेरे ख्याल से कोई चटनी है जो कि स्पेसिफिक इन्हीं के पास है। और बहरहाल बड़े मज़े की है यार, मैं समझ रहा था कि मुझे एक ही थोड़ी सी खाऊँगा मिर्चें लगने लग जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़े मज़े की है। आपने ये भी ट्राई करनी है, मैं ये खा रहा हूँ आपने देख लिया आपने आना या नहीं। जनाब बड़ा कमाल का है।